हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सबमर्सिबल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। तो उससे पहले देख लें, ये इस समय इस पर पावर वायरिंग किया हुआ है। न्यूट्रल का तार उठाकर कॉन्ट्रैक्टर पर ले गए। कॉन्ट्रैक्टर से उठाकर जहाँ पर मोटर का ब्लू तार रहेगा वहाँ पर ले गए और फेज को उठाया एमसीबी। एमसीबी से एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर से घूमकर तार कंडक्टर पर आया और कंडक्टर से फिर मोटर का लाल तार। तो चलिए कंट्रोल वायरिंग को शुरू करते हैं। ये दो कैपेसिटर 45 और 100 120 स्टार्टिंग कैपेसिटर, 45 रनिंग कैपेसिटर, वोल्टेज मीटर, इंडिकेटर, ग्रीन स्विच, रेड स्विच। तो चलिए पावर वायरिंग के लिए सबसे पहले ये कॉइल का दो तार है कंडक्टर के, एक और दो, इसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक तार लिया कंडक्टर का और यहीं पर ही फेस पर लगा दिया। तो कॉइल को एक तरफ से न्यूट्रल यहीं पर मिल चुकी है। तो अब इसको फेस देना, घुमाकर सीधा फेस भी देना। जब ग्रीन स्विच को पुश करें ये ऑन हो जाए और रेड स्विच के थ्रू भी इसको फेज देना। तो उसके लिए सबसे पहले एमसीबी, इस एमसीबी से एक तार को निकालना और ग्रीन स्विच की एक साइड पर लगा देना। तो सीधा फेज यहाँ पे पहुँच गया और अब इससे आगे ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देना और ये वाला पॉइंट है जो ये फेस से एमसीबी होकर यहाँ पे सीधा फेस दे दिया। अब हमको दूसरी छोर से कॉन्ट्रैक्टर की फेस से एमसीबी, एमसी से एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर से कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट, दूसरे पॉइंट से एक तार को निकालना है और वो दे देना है। चलिए चलिए, और वो दे देना है रेड स्विच के एक साइड पे। लीजिए, एमसीबी से सीधा सप्लाई आ गया। जब कॉन्टैक्टर काम करेगा इधर भी सप्लाई आ जाएगा। तो ये है कॉइल का तार, इसको भी उठाना है इधर से। इसको हम ले जाते हैं। चलिए चलिए, और यहाँ से हो करके ये जो पॉइंट शॉर्ट किया है यहाँ पे लगा देना। तो चलिए, कंटेक्टर का सर्किट पूरा हो चुका है। जब ये ग्रीन स्विच को दबाएंगे सप्लाई इधर से जाकर, इधर से होकर कॉइल को मिल जाएगी और जब इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ से सप्लाई आकर रेड के थ्रू इसको कॉइल को फिर से मिल जाएगी। तो चलिए, कंडक्टर का सर्किट पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं कैपेसिटर को कैसे अटैच करना है। कैपेसिटर तो देखिए, ये जो रनिंग कैपेसिटर है इसका तो सीधा सीधा काम है। रनिंग कैपेसिटर का एक तार मोटर की रेड के साथ और दूसरा तार मोटर की वाई के साथ। तो चलिए, रनिंग का भी काम हो गया। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की। स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए ये देखिए, स्विच का दूसरे दो पॉइंट एक तो स्टार्टिंग का तार पहले हम लेकर यहाँ पे लेकर आते हैं और इसको मोटर की वाई तार पर अटैच कर देते हैं। हो गया। अब इसका दूसरा तार यहाँ से लेके जाना है, सीधे सीधे सीधे, और इधर से घुमाकर स्विच की दूसरी साइड पर लगा दिया। तो अब इससे आगे यहाँ पर जो है, यहाँ से एक तार को उठाना है और यहाँ पर अटैच कर देना।
एक तरफ के दोनों पॉइंट आपस में अटैच कर देने, तो दूसरे कैपेसिटर का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब बारी है वोल्टेमीटर और इंडिकेटर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान। इसके लिए ये देखिए वोल्टेमीटर के दो पॉइंट और ये इंडिकेटर के दो पॉइंट। यहाँ से एक तार को उठाना और वोल्टेमीटर की एक साइड और दूसरी तरफ इस तरह फेस यहीं पर मिल गया। अब न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल आप यहाँ से बी से उठाएंगे, बी से उठाकर यहाँ पे न्यूट्रल देके और इसी तरह से वोल्टेमीटर को न्यूट्रल दे देंगे। तो दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भाई को कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।